आज सारा संसार ही कोरोना महामारी से लड़ रहा है, जिसमें सेहत विभाग के डॉक्टर और सेहत कर्मचारियों का विशेष योगदान है, जो कि सबसे आगे रहकर पूरे देश को इस महामारी से बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन से श्री लक्ष्मण गोयल जी ने 50 PPE किट हॉस्पिटल के SMO डॉक्टर राजीव कनोजा जी को भेंट की। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव ने संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की भरपूर प्रशंसा की। आजकल के दौर में निरंकारी मिशन रक्तदान कर हमारे और शहर के और हॉस्पिटलों के ब्लड बैंकों की मांग को पूरा कर रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। वह आशा करते हैं निरंकारी मिशन आगे भी इसी तरह समाज के भलाई के लिए किए जा रहे कामों में बढ़ चढ़ कर योगदान देता रहेगा। संत निरंकारी मिशन मानवता का मिशन है। निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का यह संदेश है कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। बीते दिनों सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने वीडियो संदेश के द्वारा समूह साध संगत को सोशल डिस्टेंसिंग और सेहत विभाग की तरफ से जारी किए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही मानवता की सेवा करने का आह्वान किया था। गुरु बाबा हरदेव सिंह जी का समर्पण दिवस हम आज के दिन वो ब्रह्मलीन हुए थे, तो आज बहुत जगह ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं, बहुत जगह PPE किट्स दी जा रही हैं। पहले भी हमने PGI में भी 200 किट दी, 16 सेक्टर में भी 200 किट दी, और आज उसी उपलक्ष्य में हम ये सिविल अस्पताल जो कि एक कोविड सेंटर है उसको 50 किटें देने आए हैं। आगे भी एक कार्यक्रम संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन आज जो PPE किट्स निरंकारी बटन दी है, इतना बारे में थोड़ा चैरिटेबल किस किस्म की जानकारी जानना चाहूँ? यही कि निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट वालों दिखाई गई PPE वास्ते मैं मनी माजरा हॉस्पिटल ते हेल्थ डिपार्टमेंट चंडीगढ़ वालों थोड़ा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ ते धन्यवादी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।